अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान, मैं वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एएचडी डिस्कस पर। फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा था, हमारे रितेश भाई है, उनका कुछ पीस आज सेल होने वाला है, तो मैं सोचा आज का एक व्लॉग बना लेते हैं। और हमारे फ्रेंड आ रहे हैं देवेन भाई, उनका वेट कर रहा हूँ मैं, तो वो आ जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे। तो आज के वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग सिर्फ बोलते नहीं, हम लोग अपने फ्रेंड्स लोग का सपोर्ट भी करते हैं हर चीज से। आपने देखा था कि मेरे व्लॉग में रितेश भाई आए थे, मुझे हेल्प किए थे, आज उनका पीस सेल हो रहा है, तो आज हम लोग उनको जाके शूट करेंगे। और उनको वो हमसे खाना लेते थे, खाने का रिजल्ट भी देखेंगे कैसा ग्रोथ है। मैं भी बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ, अभी सेल होने के टाइम पे जा रहा हूँ, तो वहां जाके वीडियो बनाएंगे तो समझ में आएगा फ्रेंड्स कैसा है। तो अभी देवेन भाई का वेट चल रहा है, जब देवेन भाई आ जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा फ्रेंड। हाँ, तो फ्रेंड अभी देवेन भाई आ चुके हैं हमारे घर पे, और देवेन भाई अभी बाहर रुके के लिए, बारिश स्टार्ट हो गई है, और बारिश स्टार्ट होने की वजह से फ्रेंड अभी वो गीले हो गए, तो अभी अंदर नहीं आ रहे। फिर भी देवेन भाई से मिल लेते हैं हम लोग, अभी अपन निकलेंगे तो देवेन भाई से मिलाता हूँ आप लोग को, एक मिनट। हाँ, तो फ्रेंड अभी आ गए देवेन भाई। और देवेन भाई कैसे? कैसे मस्त भाई, आज हम लोग जा रहे हैं रितेश भाई के यहाँ, है ना। मैं बोला देखो फ्रेंड, ये देवेन भाई मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाय फ्रेंड्स, डिस्कस में मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इसके मुंह पे बोल रहा हूँ मैं कि यार इससे अच्छा मैंने देखा नहीं यार कोई, मतलब सही मुंह पे तारीफ करना अच्छी बात है देवेन भाई। मतलब दोस्त लोग बहुत कम मिले, तो देवेन भाई मेरे को मिला तो मैं अपन बहुत किस्मत वाले समझते अपना। तो आज अपन जा रहे एक जगह, है ना, फीस सेल हो गई है, तो अब इसका कैसा परचेस, कैसा क्वालिटी जाके दिखाएंगे, है ना। चलो निकलते फटाफट। इम्तियाज भाई गया, देवेन भाई भी आ गए, रितेश भाई साला फोन नहीं उठा रहा है, और हो गया हम लोग को साला 20 मिनट हो गया बैठे रहे, 20 मिनट से देवेन भाई को भी लेट हो रहा है। तो अभी एरिया का नॉलेज तो एरिया वाले को ही रहेगा, तो एरिया वाले को हम लोग ने पकड़ लिया, अभी जाते मिलते। और थैंक यू इम्तियाज भाई, मैं ब्लॉग बनाते बनाते आया, मैं बोला मिल लेंगे आज सबको, मिलना तुम्हारी किस्मत में भाई। चलो देख लेते रितेश भाई का घर। हाँ, तो फ्रेंड हम लोग पहुंच गए रितेश भाई के यहाँ ढूंढते ढूंढते, और पहुंच गए फाइनली। क्या बोलते ढूंढे हम लोग, ये आदमी है सो रहा है, हम लोग को बुला के खुद सो रहा है, लैप लग गया कर का। हाँ, तो अभी फटाफट पैकिंग करते और देखते फिश कैसी है देन में। क्या बोलते देन में देखते ना पहले भाई। हाँ चलो, असर खेचून मेचून कंटाळा येतो दररोज दररोज, सब घेतले। हाँ एक मिनट वो ले लिया, छोटा वाला। हाँ, तो रितेश भाई आपका सेटअप पे आ गए हम लोग, और मैं बता रहा हूँ देखो फ्रेंड, ऑब्वियसली एक लोग कितना पैशनेट है, ऐसा माले पे, पोर्ट माले पे अभी हम लोग करंट, और वहाँ पे रितेश भाई का पूरा सेटअप है, उन्होंने बनाया है, यहाँ पर एक टैंक है, वहाँ पर एक टैंक है, ठीक है, उसमें फ्लावर ऑन है। ऑब्वियसली के लिए भी तो चांस होना चाहिए ना, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में, पानी का टाकी भी इधर लगाया है, सब चीज सब फैसिलिटी है, ठीक है। और ये है वो लॉट येल्लो का, और ये भी हम लोग सब ले लेंगे, इसको भी फटाफट पैकिंग करते के लिए देवेन भाई को हो गया है बहुत लेट, तो यहाँ से भी हम लोग निकलेंगे फटाफट, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये हम लोग लेने के लिए आए हैं, ये एक पैर है, और आप देख सकते हैं क्वालिटी, वाइल्ड क्रॉस का पैर है ये, और बहुत अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे पीस है, नहीं है।
हो गया हम लोग की पैकिंग पूरी और अभी हम लोग निकले गए। देवेन भाई को भी लेट हो रहा है। सेटिस्फाइड तो है लेकिन अभी बुरा लग रहा है, सब खाली रैंक लिख रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई, बुरा नहीं, फिर से अपन ले लेंगे ना, क्या है फिर से रेस करेंगे। छोटे भाई का फर्स्ट टाइम था इसके लिए, पहले बार फटाफट देवेन भाई को लेट हो रहा है तो निकलते हम लोग। ठीक है, घूमने नहीं कुछ नहीं भाई, देखो सेल हो गया वो अच्छी बात है, अभी निकलेगा। देवेन भाई को भी लेट हो रहा है, लेट हो गया थोड़ा मेरी वजह से, मैं सो गया था। और देवेन भाई हो गए रेडी माल लेके, विंड शीटर में भर के एकदम, क्या बोलते हैं इसके बिना लो, इसके बिना नहीं नहीं चलेगा, कोई इशू नहीं चलेगा, चलेगा ना, कोई इशू नहीं। जा रहे देवेन भाई को भी लेट हो रहा है, चलो जी मैं संभाल के। अभी मैं और इम्तियाज भाई चले, क्या बोलते हैं इम्तियाज, चलो भाई अपन अपने रिवर्स। और थैंक यू वेरी मच इम्तियाज भाई आने के लिए। अरे बस क्या भाई, अपने लिए तो होता है, आपस में चलते रहता भाई। चलो भी चलते तुम्हारे यहाँ, चलो बैठते थोड़ी देर, हाँ वहाँ से ब्लॉग एंड करेंगे। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड हम लोग आ गए इम्तियाज भाई के यहाँ, और थोड़ा चाय नाश्ता भी हो गया इसके लिए बैठे थे। क्या बोलते हैं इम्तियाज भाई? बस ठीक भाई, इम्तियाज भाई जैसा जॉब पे से आए वैसे मैं दौड़ा के लेकर आया उनको, इम्तियाज भाई के सेटअप पे थोड़ा इम्तियाज भाई बोले देख लो क्या चल रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने इम्तियाज भाई का वीडियो बनाया था तभी बहुत सारे अपने से ब्रीडिंग का खाना लेते, जरूर 4 महीना हो गया ना इम्तियाज भाई? हाँ, चार महीने से ज्यादा ही हुआ है, 6 महीने के लगभग होने आया, 6 महीने के करीब से खिला रहे। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारे पैर, अभी तो लगभग सारे पैर माशाल्लाह, हाँ सारे के सारे पैर माशाल्लाह सेट हो गए, और 4 पैर तो कन्फर्म ही है। देखो जूने जूने भी कितने टाइम के बाद हुए, जूने 6 साल के बाद में एक इस बार क्लच निकला है, और देखने मिलेगा वीडियो में, देखना आप। हाँ मैं वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स आप लोग को। ठीक है, और रितेश भाई भी, क्या बोलते रितेश भाई बैठे? हाँ बैठा हूँ, सेटिस्फाई एकदम। हाँ ओके, माल चला गया पूरा। हाँ देखो ऑबी स्टिक का हम लोग बोलते ना, खाली ऐसा ही नाम नहीं है, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई गाइडेंस फिश प्लस गाइडेंस प्लस फूड, सारी चीजें आपको एक जगह से प्रोवाइड हो जाएगी अगर आप ASD डिस्कस के साथ जुड़ते हैं, है ना रितेश भाई? साइज से भी सेटिस्फाई है। हाँ, तो? कितना मंथ रेजिंग किया आपने लोगों? 9 महीना 9 महीने में आपने कितना इंच का लिया था? मैंने 1 इंच लिया था। 1 इंच से अभी आपने वीडियो में साइज तो देख लिया। हाँ, हम लोग वीडियो दे देंगे आपको, मेरे पास वीडियो है, आप डाल देंगे। ठीक है, उसमें तो मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा दिखाने के लिए कितना छोटा था। तो मैं रेजिंग का खाना है उसका रिजल्ट डिफरेंट। 9 महीने ओनली मैं इनका खाना ही डालता था, दूसरा कुछ नहीं डालता। तो बोलने का रीजन ये है कि फ्रेंड थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ जो हम अपनी फिश को खिलाता हूँ ना, वही मैं आप लोग को भी देता हूँ। और मैं ऐसे डिस्कस के चैनल को फॉलो करता था ना, इसलिए सारा नॉलेज जल्दी मिल गया। अरे आप लोग भी देखो, अगर नॉलेज के लिए है तो हमारे चैनल को फॉलो करो, शेयर करो सबको। ठीक है, अभी इम्तियाज भाई का थोड़ा फिश भी देखते, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर दे। और इम्तियाज भाई बस ठीक है, तुम तो यार जोमेटो की ऐड कर देंगे वीडियो में फ्री में। अभी क्या कर सकते हो? नहीं यार नहीं, जो काम देखो कोई भी काम होता है भाई, जरूर वो बात है ना, काम से आदमी पीछे नहीं आना चाहिए। और मुझे जैसा, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी फीस ही है। हाँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है वो, और आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा तो वो भी पूरा हो जाएगा। अरे हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ में ऐसा भी उनका खाने पीने का तो खर्चा होता है। अरे वो तो घर का भी रहता है, तो कुछ चीजें हमारे लिए भी छोड़ो ना यार, सब चीज तुम सीख लेंगे तो कैसे नहीं, देखो वक्त के साथ में ना सब सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है, वक्त के साथ में वक्त लगता है। कोई रातों रात डिस्कस कीवर एकदम प्रोफेशनल नहीं बनता है, सालों साल की मेहनत है, सालों साल आदमी अपना दिन रात की मेहनत देता है, घर वालों की गालियां भी खाता है, हर चीज बर्दाश्त करता है, फिर जाके कहीं उसको परफेक्शन आता है। ये बात तो है, है ना, आप भी एग्री करेंगे ना रितेश भाई? मैं भी कुछ ना कुछ धीरे 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 सीखते जा रहा था, अभी 1 साल हो गया तो अभी कहां पे कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ रेजिंग कैसे करते हैं। 1 साल तो एक सारा चीज नहीं मिलेगा सीखने, धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे आप उनको पालोगे, एक्सपीरियंस लोगे, हर रोज उनको मॉनिटराइज करोगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, उसमें समझ से आ जाएगा। और कुछ समझ नहीं समझा तो है इमरान भाई। क्या देवदास तेरी मच्छी दिखाओ। हाँ बता ना भाई। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते कैसा है ना, छोटा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिखा देते। हाँ तो फ्रेंड्स ये इम्तियाज भाई का कलेक्शन है, तो कॉमन में तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इसमें कितनी फीमेल है इम्तियाज भाई? इसमें दो फीमेल है ना, कन्फर्म फीमेल है इनकी, दोनों मेल है, दोनों फीमेल है, एक बटरफ्लाई का मेल है, ब्लू डायमंड का मेल है, स्नो वाइट की फीमेल है, और ये भी एक रेड मेलन की फीमेल ही होगी। और यहाँ पे एक पैर है, ये भी कन्फर्म है ना? हाँ कन्फर्म है, अपना मेल है, वन बटरफ्लाई फीमेल।
ये अभी अपने लगाया ना वापस फ्रेश पे। हाँ, फ्रेश पे माशाल्लाह बहुत अच्छा। देखो ये होता ना कि अभी चलेगा इसमें एक स्नेक्सीन एक कार्नेशन है, अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, माशाल्लाह सेट हो गया है। अभी ब्रीडिंग कोन डालो इंशाल्लाह, जरूर जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। डाला है लेकिन थोड़ा काम के चक्कर में। नहीं नहीं कोई नहीं, आराम से, मतलब इतना जल्दी भी नहीं। जब वो शेवर करने लगेगी शेक करने लगेगी ना वो लोग, जरूर जरूर तभी डालना। कोई क्लीनिंग करते हुए नजर आएगा ना कोने में तभी कोन ऐड कर देना। अभी ये तो मेरा फेवरेट है एप्लीशिया, बहुत जबरदस्त है। एक क्लच इसका हो गया है ना, अभी सेकंड क्लच आएगा ना। सेकंड क्लच आएगा ठीक है। मेल भी अच्छा कलर दिखा रहा है अभी माशाल्लाह, तो खाना काम कर रहा है मतलब अल्लाह। अरे भाई तुम्हारे खाने का तो क्या बोलूं मैं, सब पैर लगभग कंफर्म है। जाने दो, अभी तारीफ तो मैं कर ही नहीं सकता चूंकि जहां तक के मैं देख रहा हूँ 6 महीने के अंदर क्या रिजल्ट है। नहीं भाई मेरे, मैं तो वही बोलता ना भाई, यूज करो उसके बाद में तुम खुद बोलोगे भाई क्या रिजल्ट है, मैं ऐसा नहीं बोलता। इतना है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन टाइम तो देखो सबको लगता है भाई, हर खाने में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। जब 2-3 महीने ऐसा चले जाएगा खुद ब खुद आपको समझ में आता है ना कि आपकी मच्छी में क्या हो रहा है क्या नहीं, पहले में और अभी में क्या चेंजेस है वो आपको लाइव दिखने में आएगा। अभी आपको एक पैर दिखा था फ्रेंड, जो इम्तियाज ने जब हॉबी चालू किया तभी लिए थे वो मेल, और वो ऐसी पड़ा था शोपीस, ब्रीड व्रीड कभी किया नहीं, लेकिन अभी उसने फाइनली ब्रीड कर दिया है। और वो ये है, ये इनका फर्स्ट टाइम था पूरा बैकग्राउंड वाला उसमें अभी तक रखे, उसमें एक रेड कवर की फीमेल लगाया उन्होंने ब्लू रिम, बहुत जबरदस्त क्वालिटी। और मेरे को बहुत खुशी होती है कि यार मेरे लाइन का बच्चा इधर है और ये मेल है वो। और यहाँ पर आ गए बेबीज बहुत सारे, आप देख सकते अभी कौन पे बेबीज आ गए। हाँ ये देखो पूरा शिवर हो रहा है, बहुत अच्छा क्लच आया है। और ये क्वालिटी अपनी ब्लू रिम रेड कवर की, और ये वो मेल है रेड मेलन का। कितना साल हो गया इसमें? 6 साल के बाद में ब्रीड मारा है, फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है फ्रेंड। ये टैंक में भी इसके लिए बोला कि इम्तियाज का सबसे जूना टैंक है ना इम्तियाज भाई, जब शुरू किए थे तभी। अभी तो ये सब व्हाइट व्हाइट आ गए जब प्रोफेशनल बन गए थे, ये जब हॉबी स्टिक थे तभी का था, ये अभी उसमें ही ब्रीड मारे और उसमें ही बच्चा निकाला है। ठीक है तो दूसरा भी एक देखते, ये तो उनके बटरफ्लाई हमेशा से एवर गोल्ड आप लोग को हमेशा पसंद आते हैं। इन लोगों को तो मुझे दिखाने की खुशी होती है, बाकी कुछ नहीं भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा कलेक्शन। ठीक है और एक इसका मेल था यहाँ पर बेबीज लेके के साथ, थोड़ा दूर से ही लेता हूँ एग्रेशन दिखा दे। और ये भी मेलन का सेट हुआ है, ये भी उसी का ही भाई था। हाँ, साथ में ही बड़े हुए दोनों, साथ में ब्रीड मारे। हाँ। देखो क्या किस्मत है, जब दोनों ब्रीड मारे तो साथ में ही निकाले, एक एक फीमेल पकड़ के। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए खुश है ये है ना कि मैं मेरा खाना अल्लाह की वजह से काम किया, भले तुमको 8 महीना खिलाना पड़ा लेकिन रिजल्ट तुम्हारे सामने। पर कॉस्ट भी इतना नहीं है। हाँ कम है और हो भी जाता है। अभी ये भी देखो फ्रेंड्स, ये इम्तियाज भाई ने अभी बहुत एग्रेसिव मेल है तो ये पैरिंग के लिए उन्होंने जाली लगाया है। अभी मेरे हिसाब से एक हफ्ता तो जाली में रखो ये लोग को, फिर खाना डालो, जब ये लोग खाना मेल खाने देगा ना उसको तब समझना पैरिंग हो गई। जब तक मेल खाने नहीं देगा ना उसको जब तक समझना पैरिंग नहीं हुई है और डोमिनेट करेगा। तो रीजन ये है कि खाना जब उसको खाने लगेगा तभी वो पैरिंग को सक्सेसफुल माना जाता है। ये बात तो ठीक है। तो अभी आपने जाली लगा दिया वो सही है भाई, बहुत अच्छा पैर है फ्रेंड ये भी। तो ये था इम्तियाज भाई का, पूरा तो और भी है लेकिन वो नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी जितना ठीक है उतना बता दिया। अभी इम्तियाज भाई से थोड़ी बात कर लेते डिस्कस चली गई ना, इसके रितेश भाई एकदम शांत हो गए। क्या हॉबी स्टिक का ऐसी होता है फ्रेंड, ये बात तो इमोशन जुड़ते मच्छियों के साथ जब आदमी पहली टाइम पाता है तो, और जब उसको सेल करता है तो थोड़ा बहुत तो सैड होता ही, हम लोग भी हुए है ना। अपने कोई फेवरेट मैंने येल्लो दिया तो मेरे को भी 1-2 दिन ऐसी याद आती थी, लेकिन ठीक है वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। ये बात तो है, कुछ आएंगे और कुछ जाएंगे तो लगा रहेगा, लेकिन वो जो बच्चे से बड़े करके फिर उसे सेल करना बोले ना तो एक दिल पे पत्थर रखने ऐसा होता नहीं, मगर देखो जाने वाली मच्छी तुमको सिखा के भी बहुत जाती है। आज मैं बोलूंगा रितेश भाई ने पूरा सीख के लिए। हाँ रितेश भाई, 1 साल थे मेरे पास, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला ना। यही बात मैं भी बोलता हूँ कि आप बच्चों से पालोगे ना आपको बहुत कुछ सीखने मिले। ये बात तो है, है ना इम्तियाज भाई, आप एग्री करते हो, मेरे को बता ही दे। और आज उसी के कारण ये सब अपने पास में। नहीं नहीं यही बात है फ्रेंड, तो यही आज मैं सोचा था कि भाई ब्लॉग में थोड़ी सी बात करेंगे आप लोग से मिलेंगे,
थोड़ा सा अच्छा बुरा सब चीज देखेंगे क्या हो रहा है। दिस इज वे की फिश भी सेल हो गई, इंटरस का सेटअप भी देख लिए, खाने का रिजल्ट भी देख लिए, ग्रोथ का रिजल्ट भी वहां से देख लिए, और यहाँ से ब्रीडिंग का रिजल्ट भी देख लिए। तो इसी पॉइंट पे आज का ब्लॉग मैं खत्म करता हूँ। सोचा था घर पे जाके, लेकिन अब मुझे हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं खाना भी वैसा खाया, देवेंद्र महाराज मुझे बहुत भगाया, अरे जल्दी चलो लेट हो रहा है लेट हो रहा है। पर हमारे रितेश भाई ने फिर फोन उठाया नहीं। हाँ, रितेश भाई एक तो पूरे गली गली के अंदर आवाज दे दे के पूरे घर वालों को उठा के, मैं वीडियो बना था गली गली में, लेकिन मैं नहीं बनाया। मैं बोला यार कहाँ से पता नहीं, अभी मुझे लगा किसके घर में पहुंच जाएंगे, ऐसा लगा मैं। तो फाइनली हो गया फ्रेंड, और फिश भी सेल हो गई, और इम्तियाज भाई थैंक यू वेरी मच आने के लिए बताने के लिए। नहीं होते तो मैं घर ही नहीं ढूंढ पाता भाई, हम लोग चले जाते वापस, लेकिन इम्तियाज भाई को मैं बुला लिया। मेरा भाई जो एरिया में है भाई वही ढूंढ सकते, ये बात तो है ना, अपना तो बचपना गया हुआ है। हाँ भाई थैंक यू, तो कभी आओ फिर घर पे, आएंगे इंशाल्लाह जरूर जरूर। और रितेश भाई ठीक है, तो ब्लॉग एंड कर दे, सबको लाइक एंड सब्सक्राइब बोल दो एक बार, सब्सक्राइब करना जल्दी से जल्दी। हाँ, और बहुत आने वाला कंटेंट है, जबरदस्त आते रहेगा। ठीक है, एक न्यूज है आप सबके लिए, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है मुझे, आप एक बार AHD का जो क्वालिटी फूड है एक बार ट्राई करके देखो रिजल्ट, 4 महीना सिर्फ वेट करो, और फिर उसके बाद रिजल्ट देखो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो 6 महीना बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ वो क्या टाइम लैप नहीं होता, 6 महीना तो कम से कम खिलाओ। अगर आप टाइम टू टाइम खाना डालते हो, जैसा आपने एक टाइम बना लिया, जैसा 12 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 2 बार या 3 टाइम डाल रहे हो, 6-6 घंटे से डालो, लेकिन ऐसा डालो कि खा लेवे और कुछ बचे नहीं, और ज्यादा तकलीफ भी ना, ओवरफीड भी ना हो, जिसके कारण उनको तकलीफ हो। बस एक बार ट्राई करो और फिर 4 महीने में रिजल्ट देखो, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। टाइम लैप नहीं बोलता फ्रेंड, कम से कम 6 महीना खिलाओ, ये तो इम्तियाज की बड़ी बात है। यूज कर रहे हो, लेकिन क्या है, मैं तो यही बोलता कि भाई रिजल्ट आना चाहिए सामने, लोगों को दिखना चाहिए, ये बात है। टाइम मैं नहीं बोलता हूँ, रिजल्ट आपको आएगा तो फिर आप डिसाइड करो, आप चाहिए तो थोड़ा लेकर यूज करो, है ना। फिर बाद में आप बोलते हैं सैंपल के थ्रू आप थोड़ा बहुत लेकर ट्राई करके देखिए। हाँ, वो भी हो सकता है, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा रिजल्ट में क्या है। 50 ग्राम का सैंपल भी रहता है, वो भी है, और बाद में मैं 1.5 और 1 kg में ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो फिर आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज भाई, चल रितेश थैंक यू। हाँ चलो चलो फिर मिलेंगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना सबको, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।